नमस्कार डियर लाइफ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला मिक्स वेज सेवई। मीठा सेवई तो सबको पसंद आते हैं। एक बार इस तरीके से नमकीन सेवई बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से अगर आप सेवई बनाकर खाते हैं तो आप चाउमीन को भूल जाएंगे और इसे ही खाना पसंद करेंगे, और ये इजी तरीके से बनकर तैयार भी हो जाता है। इसे बनाने के लिए जो भी सामान हमें चाहिए वो सभी के घर में मौजूद होते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का आलू, एक मीडियम साइज का प्याज, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। मैंने यहाँ दो गाजर लिया है, एक मीडियम साइज का टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा कप सेवई मैंने लिया है। सारी सब्जियों को मैंने साफ़ करके काट लिया है। अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे दो बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च और अदरक को डालकर इसे फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। आपको जो सब्जी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसे हम एक मिनट तक इसी तरह बराबर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज को एक मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। गाजर डालने के बाद इसे हम बराबर चलाते हुए एक मिनट तक फ्राई करेंगे। कुछ देर फ्राई करने के बाद हम ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसे दो मिनट पकने के लिए रखेंगे। दो मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर चेंज हो गया है। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि ये तले में चिपके ना। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मसालों को हम तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल में मसाले जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, इसलिए इसे हमें ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को हम सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई करेंगे। जिन लोगों को मीठा सेवई पसंद नहीं है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें सेवई डालेंगे। सेवई यहाँ हम मोटा वाला यूज करेंगे, हमें पतला वाला सेवई नहीं लेना है। ये आपको इजी तरीके से मार्केट में मिल जाएंगे। सेवई को हम सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी का भी हमें खास ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। एक कप सेवई में हम आधा कप पानी डालेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, इसे भी हम सब्जी में मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से वेज सेवई बनाते हैं तो बच्चे और बड़े सभी इसे पसंद करेंगे। अब हम ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। ये 1 मिनट में पककर तैयार हो जाएगा। 1 मिनट बाद हम इसे ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। ये देखिए हमारा वेज सेवई बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए तैयार हो गया हेल्दी और टेस्टी नमकीन वेज सेवई। अगर रेसिपी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरीके से एक बार नमकीन वेज सेवई बनाकर ज़रूर देखें। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।